क्या मामला है, क्या क्या नाम हुआ आपका? सर यहाँ पे हम 2013 भर्ती सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही से कंडी गई है 11,740 और सर हम लोगों ने दो दो परीक्षाएं ली, 100 नंबर की रेस मारी और मेडिकल भी दिया, उसके बावजूद आज तक हमको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। 2015 में भर्ती हुई तब से लेके अब तक हम लोग, इन्होंने 3,000 पद थे वो अग्रसारित कर दिए जो रूल्स के अगेंस्ट थे, उसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय गए, वहाँ से जो दो आदेश लेकर के दोनों हमारे पक्ष में है और सर उसके बाद हम लोग भर्ती बोर्ड जाते हैं, वहाँ पे सर लाठीचार्ज करवाते हैं, क्या बोलते हैं सांसद नेता मंत्री विधायक सबसे मिल चुके हैं, कहीं से कोई भी आश्वासन नहीं देते। उसके बाद आज हम लोग आए यहाँ पे DM साहब से मिले, उनसे कहा है कि हमारी केंद्र सरकार राज्य सरकार एक ही गुजारिश है दोनों लोगों से कि हमको या तो नियुक्ति पत्र दी या फिर इच्छा मृत्यु, अगर उन्होंने ये हमारी मांगें पूरी नहीं की तो हम हर जिले में जाकर के 75 जिले में 11,786 बच्चे सभी बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट में जाके 30 मई तक इंतजार करेंगे सरकार क्या सोचती है हम लोगों के बारे में, उसके बाद हम लोगों के पास आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। किसका 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 दोष मानते हैं आप इस मामले में, क्या मतलब कहाँ से कमी है? सर हम भर्ती बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहते हैं शासन के पास जाइए, शासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं भर्ती बोर्ड की खामियां हैं, अब तक यही नहीं समझ में आता कि इन लोगों का क्या रवैया है। जहाँ भी जाते हैं हम सर मंत्री जी से मिलने गए, उन्होंने हमको बंद करवा के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में डलवा दिया, 10 बजे हमको छोड़ा गया वहाँ से, आंवला में गए तो वो अपनी स्पीच में बोले कि बैनर को नीचे कर दो वरना हमेशा के लिए बेरोजगार कर देंगे, भर्ती बोर्ड जाते हैं वहाँ से DC कहते हैं कि हमारे